21 सितंबर को नवरात्रि से शुरू हो जाएगी जियो फोन की डिलीवरी। रिलायंस जियो के जियो फोन की प्री बुकिंग के महज 3 दिनों में ही 60 लाख से ज्यादा प्री ऑर्डर बुकिंग हुई। बुकिंग 24 अगस्त को शुरू हुई थी और 26 अगस्त के सुबह तक चली। इसके बाद कंपनी ने जियो फोन के प्री ऑर्डर लेने बंद कर दिए। 60 लाख से ज्यादा की प्री ऑर्डर बुकिंग रिलायंस जियो की उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। इस फोन की डिलीवरी नवरात्रि के पहले दिन 21 सितंबर से होगी। प्री बुकिंग शुरू होने पर रिलायंस जियो के फीचर फोन को ₹500 देकर बुक किया जा सकता है। वहीं फोन की डिलीवरी के समय यूजर को ₹1000 देने होंगे। कंपनी का कहना है कि ₹1500 की यह सिक्योरिटी मनी फोन वापस करने पर 3 साल के बाद यूजर को वापस कर दी जाएगी। जियो फोन की बुकिंग रिटेल स्टोर, जियो वेबसाइट और जियो ऐप के जरिए की जा सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के MD मुकेश अंबानी ने घोषणा की थी कि जियो फोन के ग्राहकों के लिए वॉइस कॉलिंग हमेशा मुफ्त रहेगी। इतना ही नहीं, उन्हें ₹153 के भुगतान पर 1 महीने तक असीमित डेटा मिलेगा। जियो ने भी ₹53 में वीकली प्लान और असीमित डेटा एक्सेस के लिए ₹23 में 2 दिन के प्लान की भी घोषणा की है। जो लोग 24 अगस्त को फोन की प्री बुकिंग नहीं करा सके, वे दोबारा प्री बुकिंग शुरू होना का नोटिफिकेशन पाने के लिए jio.com पर रजिस्टर कर सकते हैं।